हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय दुर्ग में आई हुई टीचर वैकेंसी की। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो कॉलेज है ये आपका बीएड से रिलेटेड कॉलेज है। यहाँ पे बीएड की डिग्री ज़्यादा यहाँ पर होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट आए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल के पोस्ट निकाले गए हैं एक पी, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एचओडी की एक वैकेंसीज हैं, देन असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसीज हैं। यहाँ पे 5 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें करिकुलम और पेडियोगॉजी जो कोर्स होते हैं उसके अंतर्गत हैं। और उसके बाद फिर विजुअल आर्ट की वैकेंसी है, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट म्यूज़िक डांसर की यहाँ पर वैकेंसीज हैं। देन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हेल्थ एंड एजुकेशन के अंतर्गत एक वैकेंसी है टीचर की। देन उसके बाद प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, इसमें एमएड मांगा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। देन उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे 4 पोस्ट निकाले गए हैं, और साथ ही साथ लाइब्रेरियन के भी 1 पोस्ट निकाले गए हैं। और इन सभी के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 2018 UGC के जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस को मांगा गया है। थोड़ा सा पेपर में डीम दिख रहा है दोस्तों, डल दिख रहा है, इसलिए थोड़ा क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो बट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आज के नवभारत पेपर के भिलाई सिटी भास्कर पेज, सिटी नवभारत पेपर का जो पेज आता है उस पे दिया हुआ है, तो देख लेंगे आप। 4th पेज में ये एडवर्टाइजमेंट है और उसको पढ़ सकते हैं क्वालिफ़िकेशंस को डिटेल में। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल के लिए जनरली यहाँ PhD की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम आपका 8 से 9 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और भी जो सारी चीज़ें होती हैं पब्लिकेशन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पर मांगी जाती हैं, तो वो चेक कर लेंगे। उसी तरीके से देखेंगे HOD के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ PhD की डिग्री, कम से कम 8 से 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, एक अच्छे जनरल पे पेपर्स आपके पब्लिश होने चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज़ यहाँ पर क्वालिफ़िकेशंस मांगी जाती है। उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मास्टर डिग्री प्लस नेट स्लेट, ये सारी डिग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए क्वालिफ़िकेशंस। यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है विजुअल आर्ट्स के लिए MF यानी कि मास्टर इन फाइन आर्ट्स में आपका 50% पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री म्यूज़िक डांसर या थिएटर में है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए यहाँ पर MPPED मांगा गया है, मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में। तो ये सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है जिसमें MEd मांगा जाता है, तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो, ये वैकेंसी आपको अच्छी लगे। इसकी लिंक मैं नहीं दे पाऊँगा आप लोगों को, सीधे आपको टेलीग्राम या फिर आप मेरे कम्युनिटी पेज पे जाके यूट्यूब के इस एडवर्टाइजमेंट को आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें। ये वैकेंसी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ।